आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। ग्लोबल इंडिया टीवी पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मुंगावली ब्लॉक के पिपराई तहसीलदार की गाड़ी पर हमला, हाथ का संकट ले रहा है उग्र। गुस्साए लोगों ने किया तहसीलदार के वाहन पर पथराव। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। इसके लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है भोजराम भगत, उप निरीक्षक थाना पिपराई। साथी मौजूद है मुंगावली से हमारे संवाददाता इकबाल समीदार भी। पहला सवाल आपसे सर, क्या है पूरा मामला? क्या खाद का संकट इतना उग्र रूप ले चुका है कि तहसीलदार की गाड़ी पे हमला हुआ है? क्या कहना चाहेंगे इससे? तहसीलदार साहब ने अपने गोदाम पे गए थे जी, किसानों के बीच में, वहाँ पे गोदाम बंद करके वापस आते समय उसमें कोई अज्ञात लोग पीछे से पत्थर फेंक दिए, जिससे पीछे की गाड़ी की कांच फूट गया है जी। और तहसीलदार साहब ने आवेदन पेश किया थाने पे, जिसकी जांच चेक की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई हुई है? अभी क्या किसी का नाम आया है सामने? उसमें अभी किसी का नाम नहीं आया है जी। सर जो समस्या है खाद का, ये जो संकट है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसका क्या समाधान है? तो समाधान के लिए राजस्व विभाग, जो खाद विभाग है, वो अपने वो कर पाएंगे। इसमें क्या है, कई दिनों से खाद वितरण को लेके अपने वितरण किया जा रहा है, खाने से पुलिस बल लगा के जी। लिहाजा कल शाम की बात है, शाम को गोदाम बंद करने गए थे, इसी टाइम कोई रात के समय की आत व्यक्ति ने पत्थर फेंक दिया जी, इससे गाड़ी की कांच टूट गया। सर इस उग्र आंदोलन जो हो रहा है, इसे रोकने और इसका मसला हल करने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? अब इस संबंध में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, इसमें व्यवस्था बनाना चाहिए। व्यवस्था तो है ही, व्यवस्था बना रहे हैं पुलिस की ओर से भी और प्रशासन की ओर से भी, वितरण किया जा रहा है जी। फिर भी किसानों के लिए क्षतिपूर्ति हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक किसान लाइन पे लग के ही ले रहे हैं जी। सर जैसा कि आपने बताया कि हमला हुआ है, गाड़ी पे पथराव हुआ है, तो इस पे जो जिनके नाम सामने आएंगे उन पर क्या कार्यवाही की जाने की आशंका है? जिसका नाम आता है जांच में लिया, उसको जांच में लिया गया, जांच के बाद जिसका नाम आता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसे अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा जी। ठीक 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 हाँ ठीक। अगला सवाल इकबाल समीदार जी आपसे, सर क्या है ये पूरा मामला, इससे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहेंगे इससे? ये पूरा मामला है किसानों को लेकर है, और किसानों को इस समय खाद की बहुत जरूरत है जी। और पानी का सीजन चल रहा है, और पानी का सीजन चलने के कारण ही किसान यूरिया का खाद की जो सिंचाई कर रहे हैं फसल में, गेहूं की, सरसों की, चनों की, तो कई किसानों का आरोप है कि हमको कई दिनों से लाइन में लगे हैं और खाद हमको नहीं मिल पा रहा है, और कुछ लोगों को गैर पर्ची के ही खाद मिल जाता है। इसलिए किसानों में जो कल पिपरी में आक्रोश था जी, तो इसी को लेकर गोदाम प्रभारी ने तहसीलदार महोदय को बताया था, और तहसीलदार के पहुंचने पर ही किसान आक्रोश हुए थे, तो कुछ लोग आक्रोश हुए थे जिससे ये गाड़ी पर हमला हुआ था। वहीं उपनिरीक्षक पिपरी का कहना है कि अभी हमें आवेदन मिला है और हम इसकी जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे जी। बस क्या लगता है ये जो घटना हुई है, क्या प्रशासन एक्टिव होगा? क्या आप ये जो उग्र आंदोलन जो है, ये उग्रता तक बढ़ता जा रहा है, तो क्या लगता है प्रशासन अब एक्टिव होगा और किसानों की बातों को सुनेगा, इस खाद की समस्या को हल कराएगा, या फिर वो आंखें मुंह बंद करके बैठा होगा? क्या लगता है आपको? रात में ही एसडीएम और तहसीलदार ने कई गोदामों पर चेक किए हैं, और उनका माल भी मिलाया है, रजिस्टर मिलाया है जी। तो कल की घटना से ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जागरूक हो चुका है, और यहाँ भी जो खाद का वितरण हो रहा है, चाहे वो मुंगावली हो या पिपरई हो, प्रशासन एक्टिव हो चुका है और गोदामों में माल भी मिला रहा है, उनके रजिस्टर से वो जो आरू है उसको देख रहा है, और आगे अब देखते हैं क्या होता है। एक बार जमींदार जी, एक बार दर्शकों को बताइए कि ये जो मामला है, कितने समय से ये संकट बना है किसानों के लिए, ये जो संकट है किसानों के लिए, जब से ही यूरिया बटा रहा है, कई दिनों से लाइनें लग रही हैं, कई दिनों से लोग लाइनों में लग रहे हैं, कई किसान रात में भी आ रहे हैं, कई किसानों को खाद मिल रहा है, कई किसानों को खाद नहीं मिल पाता है, और किसान तो बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि हम दो दिन से लाइन में लगे हैं, तो जो आते हैं वो तो विंडो से उनको पर्ची भी मिल जाती है, और उनका खाद की व्यवस्थाएं भी हो जाती हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र से किसान आते हैं, कई महिलाएं आती हैं, वो हमेशा यही कहती हैं कि हमको खाद नहीं मिल पा रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर।